एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तब फ्रेंड्स, पटना पीएमसीएच प्रथम फेज का काम अंतिम चरण में, जिसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी गुस्से में। तो वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजधानी में स्थित पीएमसीएच को पूर्ण विकास कार्य में अशोक राजपथ में निर्माणाधीन डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज को लेकर पीएमसीएच का प्रथम फेज का काम का अंतिम चरण में मुख्यमंत्री इस प्रोजेक्ट के संबंध में मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि पहले चरण का काम पूरा होते ही दूसरे और तीसरे चरण का काम में तेजी लाएं। पहले चरण का काम पूरा होते ही दूसरे और तीसरे जो है आपको तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया और गुस्से में भी दिखे। मैं बता दूं कि पटना में 48 एकड़ में बन रहा 5462 बेड का अस्पताल, पटना का पीएमसीएच पूर्ण विकास का निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच परिसर में कॉन्फ्रेंस हॉल में इस प्रोजेक्ट को समीक्षा भी की। स्वास्थ्य विभाग के ऊपर आधुनिक तकनीक इलाज की सुविधा होगी फ्रेंड्स, और मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएमसीएच की विश्व स्तरीय अस्पताल बनाया जा रहा है, आधुनिक तकनीकी युक्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यहां काम करने वाले चिकित्सकों को एवं कर्मियों के लिए परिसर में आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। और मैं बता दूं कि गंगा पथ से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पीएमसीएच को गंगा पथ से बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराए और इसमें पीएमसीएच पहुंचने में कम से कम समय लगे, और पाटिल पथ और बिली रोड की सीधी संपर्कता योजना पर काम करें, और अशोक राजपथ पर डबल डेकर पुल के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री पाटिल पथ भी पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि इस नेहरू पथ से जोड़ने की योजना पर भी काम करें। और मैं बता दूं कि पटना का पीएमसीएच जो है 5462 बेड वाले अस्पताल जो है विश्व का यह पहला विश्व स्तरीय अस्पताल का फेज वन जो है बनकर बहुत जल्द जो है आपको तैयार हो जाएगा। तो यह अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।